आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत मस्त, बने रहे हैं हमारे साथ। आज आपको घुमाएंगे हम अपने साथ पूरा गार्डन के इनसाइड का व्यू, और गोमू पीछे बैठा है, तो आप इस ब्लॉग में पूरा आनंद लेंगे साथ में। अभी सनअप ब्लॉग पे बने रहें, कीप सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड दिस इज स्पेशल ब्लॉग फ्रॉम चंडीगढ़, द रॉक गार्डन, द मोस्ट फैंसी नेचर गार्डन इन चंडीगढ़। और इस तरह से व्यू है अंदर का, पूरा ब्लॉग देखें आपको, यू कैन वॉच फुल ब्लॉग एंड सपोर्ट अस, थैंक यू फ्रेंड, कंटिन्यू। तो उसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ डॉल म्यूजियम फेज 3, और इस साइड है एग्जिट, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ये छोटे छोटे दरवाजे। गोमू के लिए तो सही है, बट हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत करेंगे कर। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ, अंदर अंदर से, और आगे जाके यहाँ निकलेंगे फिर से बाहर। देखिए यहाँ निकले हैं, और यहाँ पे पूरा स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखें आप। लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए दूर दूर से। तो अब हम आगे जाके यहाँ निकलेंगे, इसमें देखेंगे आप साइड में। अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पे बाहर निकलने वाले हैं उसके आगे से, तो यहाँ पे लास्ट में कैप्चर है ये मोमेंट, लास्ट में देखिए यहाँ पे ऊपर बैठ के स्नैप्स लेते हुए। काफ़ी अच्छा है ये चंडीगढ़ में घूमने के लिए, वीकेंड पे आप प्लान कर सकते हैं यहाँ रॉक गार्डन का, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। ये डिज़ाइन है इस तरह से, और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की तरफ। बाहर नहीं है एक्चुअली, इसके अंदर भी है। तो अंदर अंदर से जाके हम निकलेंगे यहाँ पे, तो ये इस साइड से आगे भी है यहाँ पे। यहाँ भी काफ़ी जो संडे का एंजॉय कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए, और ये अंदर का व्यू काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, रॉक गार्डन को इस तरह से बनाया गया है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, तो ये डे वन का, अभी छोटे छोटे हैं यहाँ पे रास्ते, तो आगे जाके ही पता चलेगा अभी इसका क्या है। ये अभी हम पहले ही दिन यहाँ घूम रहे हैं, अभी तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एक्चुअली। यहाँ गोमू आएगा अभी देखना, यहाँ से छोटे से दरवाजे से तुम जल्दी आओ, ये गोमू आ चुका है बाहर, जस्ट ब्यूटीफुल, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा ये। तो यहाँ से ये देखिए एक और रास्ता, और ऊपर ये मटके रखे हैं उल्टे करके, और ये हाइट के अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है, माइंड योर हैट, ये लाइन बहुत सही लिखी है हमने। ओ यहाँ आगे फिर से है, तो आगे आगे से ये कि आप यहाँ आगे निकले हैं, बने रहें आप इस ब्लॉग में, आपको अंत तक लेके जाएंगे हम कहाँ पे इसका एंड पॉइंट है आज आपको बता के ही छोड़ेंगे हम। Do not write on the wall. This is the last, I hope so. Phase 3 is the step here. सामने आप पढ़ रहे हैं माइंड योर हेड, इतने छोटे छोटे यहाँ पे ये डोर हैं, उन पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं माइंड योर हेड। तो हम पहुँचे हैं फिर एक नई जगह पे, अंदर ही अंदर हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर से ज़्यादा ही हो चुका है अंदर। तो उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या क्या है ऊपर जाके, काफ़ी अंदर वाइड है ये, मुझे लगता है ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट बाई फुट होगा ये। और यहाँ से हम फिर नीचे की तरफ पहुँचेंगे, देखिए यहाँ देखते हैं कुछ, तो शायद यहाँ वहीं पहुँचे हैं। ओके
इसके अंदर और भी है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं जब इतना घूम रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे भी है, इसके आगे फिर से वाटरफॉल, सामने आप देख रहे हैं। काफ़ी वाइड एरिया है अंदर घूमने के लिए, एक घंटा चाहिए आपको यहाँ घूमने के लिए अप्रॉक्सीमेटली, अच्छे से अगर आपने घूमना है इनसाइड रॉक गार्डन। तो अभी हम फेस थ्री आपको दिखाया, ये फेस थ्री है वाटर फॉलिंग इनसाइड, और साइड भी छोटा सा है, और साथ में है ये पूरा इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, काफ़ी कुछ है इसमें अंदर। काफ़ी देर तक आप अच्छे से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे मेंटेन किया गया है जिस तरह से रॉक गार्डन को, और पूरा यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, फोटोग्राफ्स, और ये देखिए यहाँ पे पौड़ियाँ। दिस इज इनसाइड फेस थ्री, और काफ़ी अच्छा फील है। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो शायद हम देखते हैं अभी बाहर निकल पाएंगे क्या इस बार। तो दोस्तों ये अंदर काफ़ी वाइड एरिया है घूमने के लिए, ऑलमोस्ट फ्री टाइम इट्स 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली टू एक्सप्लोर ऑल रॉक गार्डन इन फ्रॉम इनसाइट। और इस व्लॉग में आपको पूरा हम दिखाएंगे अंदर से लास्ट तक, डे वन व्लॉग, बने रहें आप अपने साथ। तो गाइस सब देख रहे हैं इसके आगे भी काफ़ी कुछ है अभी यहाँ पे घूमने के लिए। देखिए साइड इनसाइड, और ये बाहर का व्यू, लाफिंग मिरर्स, तो काफ़ी बड़ा ये अंदर से खूबसूरत व्यू है, और काफ़ी बड़ा एरिए में फैला हुआ ये चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखिए काफ़ी अच्छी कलाकृति यहाँ पे पेश की गई हैं, बीच में झूले भी लगाए हुए। इस तरह हम आपको पूरा दिखा रहे हैं व्यू रॉक गार्डन का, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस व्लॉग में, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जो पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस साइड देखेंगे आपने झूले लग रखे हैं, झूले झूल रहे हैं बीच में, काफ़ी ज़्यादा है एक्टिविटी करने के लिए, और वीकेंड पे संडे सेलिब्रेट करने का यहाँ पे झूलों पे झूले झूलते हुए। इनसाइड रॉक गार्डन, देखिए ये झूले यहाँ पे झूलते हुए पूरे यहाँ झूलों से है, बीच में फाउंटेन, जिस तरह से ये ऊपर आर्ट्स है बनाया गया है पेड़, जस्ट अनबिलीवेबल फाउंटेन्स, सो इट्स वेरी गुड फॉर टाइम पास हियर, रिकॉलिंग मेमोरीज ऑफ रॉक गार्डन व्यूज फ्रॉम इनसाइड एक्टिविटी, लॉट ऑफ एक्टिविटी हियर।